लीलावती हॉस्पिटल के फोटो वायरल हुए, इसके लिए शिवसेना के सब नेता कतार में खड़े हैं। जब किरीटो मैया प्रताप सरनाइक की घोटाले की फाइल देखने के लिए मंत्रालय में इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंतर्गत गया था, वहां पर गैर कानूनी पद्धति से प्रताप सरनाइक ने अंदर आकर फोटो निकाल कर वायरल किए थे, जिसके संबंध में सिक्योरिटी डिवीजन ने कंप्लेंट किए, मैंने कंप्लेंट की, आज तक प्रताप सरनाइक के ऊपर गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? आज हॉस्पिटल के फोटो पर शिवसेना नेता इतनी धांधली कर रहे हैं, वो शिवसेना नेता क्या यहाँ पर उनका उद्धव ठाकरे का माफिया राज है ऐसा कहना चाहते हैं? पहले प्रताप सरनाइक पे कार्रवाई करो। चुराहे पकड़े गए, 1 अप्रैल को ये सारे जो राज्य सरकार का प्राधिकरण है यहाँ पर कंप्लेन की, उनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट निकला 40 दिन तक। इसके बाद में ठाकरे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रवीण कल में विदेश में है, वहां से इंटरव्यू देते, वो व्यक्ति विदेश गया कैसे? जब वारंट निकला था उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने उनको जाने कैसे दिया? और इसके लिए आज हमने कंप्लेन की है, उनको तुरंत भगोड़ा घोषित किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। उद्धव ठाकरे और प्रवीण कलमे के जो भी संबंध हो, वसूली के हो, उनके हो, जितेंद्र आहवाड़ के हो, लेकिन यहाँ पर गरीब झोपड़पट्टी वासियों के पेपर चुराने वाले इशारे में से प्रवीण कलमे जो तुरंत जो मिडल ईस्ट में है उनसे उनको यहाँ लाना चाहिए। तुम्ही तुमची जबाबदारी डोक चालवायची गरज आहे। मेट्रो डेडीचा प्रश्न विचारल्यानंतर माहिती आहे का मेट्रो डेडीचा मालक कोण आहे? माहिती आहे का तुम्हाला कोण आहे सर मालक? कोणी नाही, तुम्ही प्रश्न विचारताय आणि एवढा 1 मिनिट आहे, एवढं का मी भाषण केलं का की मेट्रो डेडी हे पश्चिम बंगाल सरकारची कंपनी, त्याचं डिसइन्व्हेस्टमेंट ममता बॅनर्जीने केलं, त्याच्यावर आरोप काँग्रेसने लावले, त्याच्यावर निर्देश मुंबई कलकत्ता उच्च न्यायालयाने दिले, समजलं ना? म्हणून त्यांच्यावर मला काही बोलायचं नाही, कारण की ते काही बोलतात ते आपल्याला माहित आहे। 100 कोटी शौचालय घोटाळ्याचे का सहजरित्या विसरले ते? सर काल एनआयएच्या आणि त्याची ताबडतोब अटक व्हावी, त्यांना फरार घोषित करावं, त्यांची प्रॉपर्टी जप्त व्हावी, याची मागणी आज आम्ही मुंबई पोलिसांकडे केली आहे। उद्धव ठाकरे त्यांचा जो वापर करत असेल मला माहित आहे काय करायचे, पण आता तर चोर, फ्रॉड, मॅन्युप्युलेशन प्रवीण कलमेला अटक करावीच लागणार। आणि त्याची ताबडतोब अटक व्हावी, त्यांना फरार घोषित करावं, त्यांची प्रॉपर्टी जप्त व्हावी, याची मागणी आज आम्ही मुंबई पोलिसांकडे केली आहे। उद्धव ठाकरे त्यांचा जो वापर करत असेल मला माहित आहे काय करायचे, पण आता तर चोर, फ्रॉड, मॅन्युप्युलेशन प्रवीण कलमेला अटक करावीच लागणार। दुसरा प्रश्न, चुराहे पकडे गए, 1 अप्रैल को ये सारे जो राज्य सरकार का प्राधिकरण है यहाँ पर कंप्लेन की, उनके ऊपर नॉन अवेलेबल वारंट निकला 40 दिन तक। इसके बाद में ठाकरे सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। प्रवीण कल में विदेश में है, वहां से इंटरव्यू देते, वो व्यक्ति विदेश गया कैसे? जब वारंट निकला था उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने उनको जाने कैसे दिया? और इसके लिए आज हमने कंप्लेंट की है, उनको तुरंत भगोड़ा घोषित किया जाए, उनकी प्रॉपर्टी जब्त की जाए। उद्धव ठाकरे और प्रवीण कलमे के जो भी संबंध हो, वसूली के हो, उनके हो, जितेंद्र आहवाड़ के हो, लेकिन यहाँ पर गरीब झोपड़पट्टी वासियों के पेपर चुराने वाले इशारे में से प्रवीण कलमे जो तुरंत जो मिडल ईस्ट में है उनसे उनको यहाँ लाना चाहिए।